कही अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कही अनकही अनसुनी सी कहीं दास्तां। अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगी पश्चिम बंगाल प्रांत और सुनाऊंगी वहां के राजपुष्प की कहानी शेफाली। तो आइए चलते हैं पश्चिम बंगाल और सुनते हैं वहां की लोक कथा। शेफाली के फूल की लोकप्रियता इस वृक्ष से जुड़ी हुई कथाएं और लोक कथाएं हैं। कई बार इसे स्वर्ग का फूल कहा गया है तो कभी इसे दुखी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर पौराणिक कथाओं को देखें तो शेफाली यानी पारिजात का फूल देवराज इंद्र के बगीचे नंदन वन का एक पवित्र फूल माना गया है। और एक बार देवश्री नारद ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का गर्व चूर करने के लिए इस फूल का इस्तेमाल किया था। सत्यभामा श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में सर्वाधिक सुंदर और रूपवान थी। रूपवान होने के साथ ही साथ वो धन धान्य से भी संपन्न थी। सत्यभामा को इस बात का बेहद गर्व था कि वो श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में सबसे ज्यादा सुंदर और वैभवशाली हैं। और सत्यभामा ये समझती थी कि ये उनका रूप और धनी है जिसने कि श्री कृष्ण को उनकी ओर आकर्षित किया है। और इस रूप और धन के बल पर वो श्री कृष्ण से जो भी चाहें वो करवा सकती हैं। देवश्री नारद भगवान श्री कृष्ण से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं। उनके ऊपर किसी की भी रूप या धन संपत्ति का कोई असर नहीं पड़ता। उन्हें सत्यभामा के गर्व पर हंसी आती थी, लेकिन उस पर ध्यान इसलिए नहीं देते थे क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। इधर सत्यभामा का गर्व बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन देवश्री नारद ने सत्यभामा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो सत्यभामा को सबक सिखाने के साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं। उनके ऊपर किसी की भी रूप धन संपत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके कारण कोई भी उन्हें अपने वश में नहीं कर सकता है क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर हैं। और यही निर्णय के कारण ही उन्होंने पारिजात फूल का सहारा लिया। देवश्री नारद पारिजात का फूल लेने के लिए नंदन कानन वन पहुंचते हैं और वहां से पारिजात का फूल लेकर के वो भगवान श्री कृष्ण के पास स्वर्गलोक पहुंचते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपनी दोनों पत्नियों देवी रुक्मणी और देवी सत्यभामा के साथ में वहां उपस्थित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को नारद के आने का समाचार मिलता है तो वो नारद को अपने पास ही बुला लेते हैं। शायद वो नारद के आने का कारण समझ चुके थे। जब देवश्री नारद श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें और उनकी दोनों पत्नियों देवी रुक्मणी और देवी सत्यभामा को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को वो पारिजात का फूल भेंट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पारिजात का फूल बेहद प्रेम और सम्मान के साथ में स्वीकार करते हैं और अपने हाथों से देवी रुक्मणी के बालों में लगा देते हैं। देवश्री नारद का आशय पूरा हो चुका था। वो पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, देवी रुक्मणी और सत्यभामा को भी प्रणाम करते हैं और वापस लौट आते हैं। अनंत सुंदरी सत्यभामा ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि उसके होते हुए नंदन कानन वन का जो पारिजात फूल है भगवान श्री कृष्ण उसे भेंट न करके देवी रुक्मणी को भेंट करेंगे। उसका घमंड उसका गर्व चूर चूर हो जाता है। उसे इस बात का आभास हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो ईश्वर हैं, जिन्हें रूप और धन के बल पर वश में नहीं किया जा सकता।
वो तो प्रेम और समर्पण चाहते हैं जो शायद उसके पास नहीं है और देवी रुक्मिणी के पास है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि सेल्फ ऑब्सेशन आपको कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की कद्र नहीं करने दे सकता, जैसा कि सत्यभामा के साथ हुआ कि वो रुक्मिणी के उस गुण को नहीं समझ पाई जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनकी ओर आकर्षित किया था। बाहरी सुंदरता और धन संपत्ति से भी बड़ा गुण होता है आपका अपना व्यवहार। सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन करने से पहले आपको अपना व्यवहार परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपने आप से इतने ज्यादा मोहित होंगे तो आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों की कद्र नहीं कर पाएंगे। स्वयं पर गर्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिमान आपको कभी भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनने दे सकता। उम्मीद करती हूं आज की ये लोक कथा आप सभी को पसंद आई होगी और इसमें जो निहित संदेश है वो आप सभी को भाया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स वो तो मुझे भेजते रहिएगा, क्योंकि वही है जो कि मुझे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है, उसकी ओर प्रोत्साहित करता है। अगले एपिसोड में एक नए प्रांत लेकर चलूंगी वहां की लोक कथा सुनाने के लिए और उसमें निहित संदेश को बताने के लिए। तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।